हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे अपडेट्स न्यू नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। देखिए, बीएड और डीएलएड से जुड़ी जानकारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अपडेट ये देने जा रहा हूँ। अपडेट ये है कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया और एग्ज़ाम दे दिया है, अगर उन्हें लगता है कि हमारा इसमें नहीं हो पाएगा या बीएड में नहीं हुआ तो हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डीएलएड के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है, हालांकि डीएलएड यानी बीटीसी की बात कर रहे हैं, डीएलएड यानी बीटीसी की बात कर रहे हैं, ये और ये दोनों ही दो वर्षीय कोर्स हैं। इसमें भी चार सेमेस्टर होते हैं और बीएड में भी चार सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। तो आपने अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दी और आपको ये लगता है कि हमारे नंबर कम हैं और हमारे जनपद में या हमारे पास में हमको कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ऐसा कुछ चल रहा हो माइंड में आपके, तो एक ऑप्शन के लिए आप लोग डीएलएड का फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दें। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन ग्रेजुएशन जब कम्प्लीट होगा तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे डीएलएड फॉर्म को। लास्ट डेट इसकी क्या है? लास्ट डेट इसकी है 25 तारीख, 27 पे मत जाना। 27 है फीस पेमेंट की लास्ट डेट, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। आप अगर बीएड का फॉर्म भर सकते हैं, 1000 रुपये फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए क्या होता है कि पता चला आपकी रैंक बहुत ज़्यादा आ गई और आपके नंबर कम हैं, या आपकी रैंक नहीं बन पाई। रैंक नहीं बनेगी तो फिर आप काउंसलिंग में ही भाग नहीं ले पाओगे। जब रैंक नहीं बनेगी आपकी तो काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए आप लोगों को पहले ही सूचना दे दी है कि 2 दिन का आपको टाइम मिल रहा है आराम से। आप अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है और आपको लगता है कि नहीं, हमें टीचिंग में ही जाना है, मतलब खासकर जो हमारी बहनें हैं तो वो चाहती हैं कि हमें टीचिंग की नौकरी ज़्यादा सुटेबल लगती है, तो टीचिंग के लिए देखिए डीएलएड भी अगर आप कर लेंगे और यूपी टेट और सीटेट अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई हो जाते हैं, दोनों एग्ज़ाम देने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपकी जो वैकेंसी आती है उसके एग्ज़ाम, जैसे सुपर टेट। तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा, देखिए समय आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जी, इस वर्ष आप बीएड का फॉर्म अप्लाई किए और आपको बीएड ही करना है और इस वर्ष आपका बीएड में एडमिशन नहीं हो पाया, इनकेस तो नहीं हो पाए, तो एक साल तो गया, फिर बर्बाद हो गया एक साल। तो इससे अच्छा है कि, और एक साल जब आप पीछे हो जाओगे तो वैकेंसी जब आ जाएगी तो फिर ये होगा कि यार अगर हमारा एक साल कंप्लीट वो हो गया होता तो फिर हम इसके लिए एलिजिबल होते और यूपी टेट कंप्लीट करके सुपर टेट की तैयारी कर रहे होते और वैकेंसी आती चट से फिर जॉब के लिए अप्लाई कर पाते। भाई हमें ये सब क्या है, ये सब एक वे है, इनको चुन करके हमें जॉब तक जल्दी से पहुँचना होता है, ठीक है। हालांकि अपॉर्चुनिटी बीएड में ज़्यादा है लेकिन डीएलएड में भी कम नहीं है, ये भी आपके पास एक बेटर और अच्छा ऑप्शन है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर बीएड आपने अप्लाई किया है, फॉर्म भरा हुआ है, तो डीएलएड आपको लगता है कि हमें अगर बीएड में नहीं होता है तो हम डीएलएड कर लेंगे, तो डीएलएड के लिए अप्लाई ज़रूर कर दें, ठीक है। और काउंसलिंग में भाई क्या होता है, जब आपकी रैंक बनती है तभी आप यहाँ पर भाग ले पाओगे। रैंक बननी चाहिए, रैंक तब बनती जब आपके नंबर अच्छे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नंबर नहीं भी अच्छे हैं, रैंक बनती। अब 6.5 लाख स्टूडेंट हैं, 6.5 लाख स्टूडेंट में से 89% स्टूडेंट ने क्या दिया था, एग्ज़ाम दिया था, 89% लगभग 90% मान लीजिए, ठीक है। तो अब भाई सब तो काउंसलिंग में बैठ नहीं जाएंगे क्योंकि 2.25 लाख तो सीटें ही हैं, लगभग 1% सीटें बढ़ती हैं हर साल, 1-2%। दो यूनिवर्सिटी नहीं आई हैं तो कुछ सीटें बढ़ जाएंगी, तो इतनी हज़ारों में सीटें नहीं बढ़ेंगी, कुछ सीटें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है इससे आप समझ गए होंगे। हालांकि मेरा मेन आपको सजेशन ये देना है कि अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म इसका नहीं भरा है डीएलएड का, तो भर दीजिए। अगर आप लास्ट डेट का वेट कर रहे हैं तो अभी कर दीजिए, लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है, वेबसाइट प्रॉब्लम करती है, ठीक है। चलिए, जय हिंद सभी को, आपका दिन शुभ हो। अपडेट सही लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।